अखिल भारतीय संत एवं पुजारी समाज के जिलाध्यक्ष पंडित जगदीश ठक्कर के नेतृत्व में रविवार को 84 शिवलिंग दर्शन यात्रा निकाली गई। यात्रा कुंदा नदी के किनारे स्थित महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई, जो विभिन्न शिवालयों दर्शन कर शाम को भवसार मोहल्ला स्थित श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी। यहां महाआरती कर यात्रा का समापन होगा। पंडित जगदीश ठक्कर ने बताया कि यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा के दौरान महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। हर शिवालयों में महिलाओं ने महादेव जी पर जल चढ़ाया और फूल बिल पत्र अर्पित कर शहर के सुख समृद्धि और शांति की कामना की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। कदम से कदम मिलाकर हर उत्सव त्यौहार मनाएं, भोलेनाथ से यही कामना करते हैं। और यह यात्रा पिछले 10 वर्षों से निकल रही, इसकी 10वां वर्ष है। और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो श्रावण मास में एक दिन में 84 शिव दर्शन यात्रा करता है, उसकी 84 लाख योनियों से मुक्ति होती है और परम शिव पद को प्राप्त होकर 12 ज्योतिर्लिंग और गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तो आज कलयुग है और कलयुग में हर प्रत्येक मनुष्य की आयु बहुत कम होती है और कम आयु में इतना सब कुछ करना संभव नहीं है। तो कलयुग को मान के देखते हुए ये शास्त्रों में प्रमाण है और इसी उद्देश्य से हमने खरगोन नगर के 84 शिव दर्शन यात्रा का संकल्प लिया और सभी माताएं बहने ग्रामीण क्षेत्र के लोग सब इसमें जुड़ रहे हैं और सब पुण्य लाभ ले रहे हैं। कहाँ से निकलती है, कहाँ तक ये यात्रा? बड़घाटे सर औरंगपुरा से निकलती है और नगर के अंदर अंदर ही सभी 84 शिव दर्शन करते हुए हृदय स्थल सिद्धनाथ महादेव मंदिर पर यह यात्रा पूर्ण होती है, ताकि सबके मनोरथ पूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए। क्या नाम है आप? पंडित जगदीश ठक्कर, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।